उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ नगर पंचायत कोहडौर में चंद्रशेखर पांडे और पत्नी सुषमा पांडे समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन करते हैं। यह नियमित रूप से सैकड़ों की तादाद में बंदरों को केला चना गुड़ खिलाते हैं। आसपास की जो जन समस्याएं हैं उसको भी आपके द्वारा समझा बुझाकर निस्तारण किया जाता है। इस बार अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी श्रीमती सुषमा पांडे पत्नी चंद्रशेखर पांडे से हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश मिश्रा के साथ विवेक सिंह की सीधी बातचीत। नमस्कार, इस समय उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जनपद में मैं हूं और यहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु कोहड़ौर नगर पंचायत से सुषमा पांडे पत्नी चंद्रशेखर पांडे लल्लू जी हैं और इनको प्रत्याशी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट की मांग भी कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। और उनका यह कहना है कि समाज सेवी के रूप में मैं अनवरत कार्य निश्चित करता रहता हूं। हमारा जो कार्य करने की रवैया है और मैंने देखा भी आसपास लोगों से मैंने जानकारी भी लिया, सुबह जब ये उठते हैं तो सबसे पहले इनका जो दिनचर्या होता है बंदरों को भोजन कराने का। यहाँ सैकड़ों की तादाद में बंदर आ जाते हैं। बंदर आने के बाद यहाँ पर लैया चना गुड़ केला तमाम तरीके से बंदरों को भोजन कराते हैं। समाज सेवी के रूप में अनगिनत इनके कार्य हैं। आइए आपको बताते हैं, विगत 15 वर्षों से आप भंडारे का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। यहाँ पर 4,000 से 5,000 लोग, चूंकि कोहड़ौर नगर पंचायत में ही इनका मकान भी है, लोग आते हैं, 4,000 से 5,000 लोग यहाँ पर भोजन करते हैं प्रतिवर्ष। और समुचित गर्मियों के सीजन में आप नवरात्रि के सीजन में शरबत पिलाने का भी काम करते रहते हैं, ये कार्य होते रहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आदर्श नगर पंचायत कोहड़ौर को बनाने के लिए आप किन किन योजनाओं को लागू करेंगे। सर, आदर्श नगर पंचायत की कल्पना लेके आप वार्डों में, समुचित 13 वार्डों में जा रहे हैं जी। आपके यहाँ मैंने देखा है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है जी। लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं जी। अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आते हैं जी, तो आपके लिए क्या ठोस कदम है जी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी, इसके लिए आपको धन्यवाद जी। हम सबसे पहले ये व्यवस्था देने का कोशिश करेंगे कि सारे लोगों को आरओ का पानी मिले, समुचित वार्डों में 13 वार्डों में सप्लाई हो, आरओ का। और इसमें जो हमारी अपनी व्यक्तिगत भूमिका रहेगी वो भी करेंगे, जो सरकार से मदद होगी उसको भी लेंगे। अभी आप बता रहे थे कि हम पंचायतों के माध्यम से निस्तारण है तो जी, हमारे यहाँ तमाम तरीके से आती हैं बातें जी, तो उसको हम अब पंचायत के माध्यम से सुलझाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आप कर रहा है इसमें जी। मेरा ये प्रयास होगा कि जो भी गरीब या अनसुलझे लोग हैं जी, उनको मैं बैठा करके उस गांव के जो सीनियर बुजुर्ग होंगे उनसे सलाह लेकर के सच्चाई क्या है और मुद्दा क्या है उसको मैं ये प्रयास करूंगा कि आपसी सहमति से लोग बैठ करके अपने विवाद को सॉल्व करें, जिससे कि पुलिस कोर्ट कचहरी से वो बचें, अपना धन बचा सके, अपना समय बचा सके। इसमें मैं बरीता दूंगा, इसको बरीता दूंगा। हाँ, कि भाई ऐसा है कि लोग अनायास परेशान ना हो, जिसका जो हक है जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाने को। आप तो समाज सेवी के रूप में विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, क्योंकि नया नगर पंचायत हुआ है आपका, 13 वार्ड है, यहाँ की भी तो तमाम समस्याएं हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग सीवर जाम है, नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें खस्ता हाल है, सड़क का जहाँ तक मैटर फंस रहा है या नाली खड़ंजा चगरोट का, तो हम उसको ये प्रयास करेंगे कि जो शासन स्तर से हो सकेगा उसका लिखा पढ़ी करके शासन से बनवाएंगे। सीसी रोड करेंगे, इंटरलॉकिंग खड़ंजा जैसा होगा, जो जहां नहीं विवाद है जहां विवाद है उसको बैठ करके सॉल्व करेंगे, समझाएंगे लोगों से रास्ता रोकी ना जाए, रास्ता बनना आवश्यक है और जिससे कि सारे लोगों का विकास हो। सबसे अहम चीज ये है कि हम चूंकि घर गाँव से बिलोंग करते हैं और यहाँ शिक्षा का माहौल जरूरत से ज्यादा खराब है। मेरा अपना एक जानना या समझना है ये कि अगर कोई भी परिवार या समाज शिक्षित होगा तो विवाद ऑटोमेटिक या स्वतः कम रहेगा जी। तो शिक्षा के लिए जैसे हमारे नगर पंचायत के अंतर्गत जो भी विद्यालय आएंगे, पूर्व माध्यमिक प्राथमिक जो भी विद्यालय आते हैं उनका या उसके अगल बगल के गांव में जो भी विद्यालय हैं, हम उसका कलेक्टर से मिल करके या एसडीओ जो भी
सरकारी संस्थाओं से मिलकर के हम उसका अपना सुधार करने का प्रयास करेंगे, मॉडल विद्यालय में तब्दील करने का कार्य जी प्रयास करेंगे कि जो सुविधा या जो शिक्षा जैसे केंद्रीय स्तर पे मिल रही है उसको लोग गांव स्तर पे लागू करें और जिससे कि हमारे बीच के बच्चे या गरीबों के बच्चे पढ़े और शिक्षित हो आगे बढ़े, देश का समाज का गाँव का विकास हो। शिक्षा पे आपने बहुत बढ़िया बेहतर कहा। स्वास्थ्य को देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित अभी डेंगू का कहर बहुत चरम पे था, तमाम व्यापारियों से हमारी बातें हुई तो लोग कहने लगे भैया फॉगिंग तक नहीं हो पाई। अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष सुन के आते क्योंकि हमारे नगर पालिका के अंतर्गत एक CSC है जी। हम डॉक्टर से मिल करके या कलेक्टर से या CMO से जहां से इसकी जो व्यवस्था हो सकेगी हम उसको अपने इलाके में फॉगिंग करवाएंगे या जो भी बीमारी का दौरा होगा या जिस भी प्रकार की ये बीमारियां चूंकि जाड़ा गर्मी बरसात आती रहती है सीजनेबल बीमारियां आती रहती हैं उसके लिए यथाचित जो हो सकेगा सरकार से उनकी सुविधाओं को यहां सप्लाई करवाने का प्रयास। मैंने देखा है, हमें नहीं कह रहे हैं कि इस नगर पंचायत में चूंकि EO प्रभारी थे अभी तक, नगर पंचायतों में डूडा के अंतर्गत जो आवाज उसमें व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिला। हमारा अपना प्रयास होगा, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका जी। हमारा अपना प्रयास होगा कि हम समाज को भय और भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे। भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल। जो भी 2,50,000 रुपए जो भी सरकार द्वारा गरीब लोगों को कॉलोनी या जो भी इनको आवास वित्तीय आता है डूडा से जो आता है डूडा से जो भी इनको सहायता वित्तीय मिल रही है उसमें 2,49,999 रुपए हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बिल्कुल, जो उनका हक है गरीबों का वो उनको आना पाई मिलना चाहिए, उसमें ना कोई कमीशन खोरी ना किसी प्रकार की भ्रष्टता, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सर। नई नई नगर पंचायत हुई है, तमाम हम तरीके से देखा जाता है कि पंचायत भवन से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर क्योंकि तमाम गांव भी इसमें सम्मिलित हुए हैं जी जी, तो अवैध अतिक्रमण देखने को मिलता है जमीनों पे, भूमाफियाओं। बहुत अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं। इसमें हम चयनित होकर आते हैं तो इस पे आपका क्या कार्रवाई? इसमें हमारा ये प्रयास होगा महोदय जी कि सर्वप्रथम जितनी भी सरकारी जमीनों का माफियाओं द्वारा या गलत तरीके से अतिक्रमण हुआ है उसको हम शासन स्तर से प्रयास करेंगे कि वो सब खाली हों और जिससे कि सरकार के खोजने पर सरकारी जमीन मिले और सरकारी जमीन मिलेगी तो सरकार का भी हमारे कोहड़ोर बाजार के अंदर नगर पंचायत में सामुदायिक शौचालय नहीं है जी। हमारी ये बरीता होगी कि मान लीजिए कोई भी आ रहा है जा रहा है समाज गांव में एक भी मार्केट के अंदर कोई शौचालय नहीं है जी। हमारा प्रयास होगा कि एक सामुदायिक शौचालय बने यहाँ, हम ये कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर या हमारे नगर पालिका में एक भी मैरिज हॉल नहीं है जी, बारात घर मैरिज हॉल नहीं बारात घर है। हम ये प्रयास करेंगे सरकारी जमीन में अगर संभव हो सकेगा तो उसका निर्माण करवाने के लिए शासन से जो होगा सहयोग राशि का प्रयास करके कि गरीब लोगों को कहीं प्रतापगढ़ न जाना पड़े और अपना वो कार्य जो है जो भी शुभ अशुभ होना है इस मतलब नगर पंचायत के अंतर्गत ही होता रहे। सर आखिरी अपील अपने हमारी लोगों से यही एक निवेदन है कि चूंकि 5 साल के लिए चयनित होना है जी, तो धन बल के लोगों से दबाव न महसूस करें जी, और जो व्यक्ति जैसा रहा है कोई यहाँ बाहरी आदमी नहीं, सब क्षेत्रीय हैं जी, सारे लोगों के बारे में सबको समुचित जानकारी है जी, कल हम क्या थे तो आज हम क्या हैं और कल क्या करेंगे जी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ईमानदार कर्मठ जुझारू प्रत्याशी का चयन करें जो कि बिल्कुल ईमानदार छवि का आदमी हो जिससे कि वक्त जरूरत पे हौका मौका इनकी मदद तन मन धन से कर सके जी। ये थे चंद्रशेखर पांडे जी, इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ। आपका कहना है कि मैडम का नाम क्या है? सुषमा पांडे जी का कहना है कि मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ और भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त मैं समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच में जाती हूँ और उनसे वायदा कर रही हूँ कि जो भी हर संभव मदद होगी अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आती हूँ उसको करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। UP News से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह की रिपोर्ट।